1911 में आज ही के दिन सुनिया सेन को नए चीन गणतंत्र का राष्ट्रपति घोषित किया गया था। चीन में आम जनता और साम्यवादी कार्यकर्ता उन्हें चीन गणतंत्र का राष्ट्रपिता भी मानते हैं। सुनियान सेन का जन्म 1866 में कांटोन प्रांत के पास एक गांव में हुआ था। 1894 में उन्होंने सिंग चुंग हुई नाम की क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया और चीन पर शासन कर रहे चिंग राजवंश को गद्दी से हटाने की कोशिश की, लेकिन योजना असफल रही और सुन को अगले 16 साल देश में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। आखिरकार 1912 में सुन ने राष्ट्रीय पार्टी क्योमिंतांग का गठन किया, जिसके सिद्धांत राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक सुरक्षा थी। 1942 में आज एक दिन बॉलीवुड अभिनेता, निर्देशक व निर्माता राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। 1966 में उन्होंने आखिरी खत नामक फिल्म से अपने अभिनय की शुरुआत की। 3 साल के अंदर 15 हिट फिल्मों में अभिनय करके राजेश बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने लगे। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार हैं। उन्होंने 1966 से 2013 तक 163 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 105 फिल्में हिट रहीं। राजेश खन्ना की फिल्मों में आराधना, इत्तेफाक, दो रास्ते, बंधन, डोली, सफर, खामोशी, कटी पतंग, आन मिलो सजना, आनंद, सच्चा झूठा, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी आदि प्रमुख हैं। राजेश खन्ना नई दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 1967 में आज ही के दिन शिक्षा शास्त्री और संगीतकार ओंकार नाथ ठाकुर का निधन हुआ था। उनका संबंध ग्वालियर घराने से था। उन्होंने वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत के आचार्य के पद को संभाला। ओंकार नाथ तत्कालीन संगीत परिदृश्य के सबसे आकर्षक व्यक्तित्व थे। 50 और 60 के दशक में पंडित जी की महफिलों का जलवा पूरे देश के मंचों पर छाया रहा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की गायकी में रंजकता का समावेश था। उनका गाया वंदे मातरम या मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुनने में एक रूहानी अनुभूति होती है। ओंकार नाथ ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हिंदुस्तानी संगीत वोकल से सम्मानित किया गया। 1975 में आज ही के दिन ब्रिटेन में एक समान वेतन का ऐतिहासिक कानून लागू हुआ, जिसके तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हुआ। द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे कानून के प्रावधानों के मुताबिक एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी किया गया। मकान मालिक, कंपनियां, स्कूल आदि में भेदभाव हो तो वो गैर कानूनी माना गया। इस कानून के तहत महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। कानून के तहत नौकरियों के विज्ञापनों में लिंग की चर्चा को रोका गया और कोई भी पद केवल पुरुषों या महिलाओं के लिए चिन्हित न किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस कानून के लागू होने के 25 वर्ष बाद वेतन के फर्क को 40% से घटाकर 20% किया जा सका। और 1985 में आज ही के दिन श्रीलंका ने 43,000 भारतीयों को नागरिकता प्रदान की थी। 180 साल पहले ब्रितानी शासक खेती के लिए इन भारतीय तमिल मजदूरों को श्रीलंका ले गए थे। 1948 में आजादी के बाद नागरिकता अधिनियम के बाद करीब करीब सभी भारतीय तमिलों के अधिकार छीन लिए गए थे। 1964 और 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौतों से 3,75,000 तमिलों के श्रीलंकाई नागरिक बनने का रास्ता साफ हुआ, लेकिन 5,00,000 तमिलों को भारतीय ही कहा गया। लेकिन इन भारतीयों के करीब 95,000 रिश्तेदारों ने श्रीलंका में ही रहने का फैसला किया और उस समय से ही ये लोग नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी वजह से भारतीय तमिल ना कोई जमीन जायदाद खरीद पाते थे और ना ही कोई व्यवसाय में लग सकते थे।